सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है मेरा एक वीडियो जिसपे मैंने 4.9 के व्यूज़ गेन किए हुए हैं और साथ ही साथ 110 घंटे भी और 34 प्लस सब्सक्राइबर भी मिले हुए हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 2008 व्यूज़ मैंने लास्ट के 48 घंटे में गेन किए हुए हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जब मैंने इसको अपलोड किया था तो इस पर मुझे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो का SEO ठीक किया जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी मिले और मेरी वीडियो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। दोस्तों, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो दोस्तों, ये मैंने कैसे किया है ये मैं आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको SEO सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वीडियो में सही तरीके से SEO नहीं करते हैं तो आपकी वीडियो का वायरल होने का चांस बहुत कम होता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो में कैसे सही तरीके से SEO कर सकते हैं, वो भी कीवर्ड रिसर्च करके, जिससे आपकी वीडियो रैंक करे और धीरे धीरे वो भी वायरल हो जाए। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे, पहला कीवर्ड रिसर्च और दूसरा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पहले टॉपिक से। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। अब दोस्तों, मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च कहां से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आप किस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाए हैं, आप किस टॉपिक पे अपने वीडियो को रैंक कराना चाहते हैं, आप अपने वीडियोस के टाइटल में, टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, जिससे आपकी वीडियो रैंक करे आपकी कीवर्ड पे। तो दोस्तों, मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सपोज करिए है मेरा एक माइक बोया का जिसमें मैंने वीडियो बना लिया है। अब मुझे इसको अपलोड करना है, उसके बाद मुझे इसका टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो दोस्तों, मुझे टाइटल में क्या लिखना है, टैग्स में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, यही चीज़ दोस्तों है कीवर्ड रिसर्च। आप कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से करके आप अपने टाइटल में, टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जिससे आप अपने वीडियो को रैंक करा सकते हैं और उस पर व्यूज़ भी गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है आपका खुद का यूट्यूब, जो आपको फ्री में सब कुछ देता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने यूट्यूब पे और देखते हैं उसमें कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। तो दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब वाला ऐप खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको आ जाना है सर्च बार में। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे वो कीवर्ड सर्च करना है जिससे रिलेटेड आपकी वीडियो है। सो दोस्तों, सपोज करिए मुझे कुछ नहीं मालूम है कि मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है और कैसे अपने कीवर्ड को फाइंड करना है। सो दोस्तों, अब आपको ये करना है कि आपका वीडियो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है आपको उसी को यहाँ पे टाइप कर देना है। सो दोस्तों, जैसे मेरा टॉपिक है माइक का, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ माइक ही टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों, माइक के अलावा भी मैं यहाँ पे अपने माइक का नाम टाइप कर सकता हूँ। जैसे दोस्तों, मेरे माइक का नाम है बोया BYM1। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे बोया टाइप किया, अब दोस्तों आपको यूट्यूब बहुत सारे कीवर्ड आपको रिकमेंड कर रहा है कि लोग इन सारे कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। सो दोस्तों, आप इन कीवर्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप इनको कहीं भी नोट कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए मैं इसमें कुछ और टाइप करता हूँ। जैसे मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, बोया BYM1। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे बोया BY लिखा, अब दोस्तों आपको यूट्यूब बहुत सारे और कीवर्ड को रिकमेंड कर रहा है जो आप अपने टाइटल, टैग्स या डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटपैड में कहीं भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं अपने माइक का पूरा नाम लिख देता हूं, जैसे यहां पे हो गया बोया BYM1। अब दोस्तों, यूट्यूब आपको कुछ और कीवर्ड जो है रिकमेंड कर रहा है। अब दोस्तों, आप इन कीवर्ड को अपने टाइटल, टैग्स या डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो दोस्तों आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड को यूज नहीं करना है। दोस्तों, शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होता है जो सिर्फ 3 वर्ड का होता है। दोस्तों, अगर आप इससे ज़्यादा और भी वर्ड लिखते हैं तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपके पास सब्सक्राइबर बेस नहीं है तो आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज नहीं करना है। दोस्तों, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही फोकस करना है। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे और लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोया माइक BYM1 रिव्यू। अब दोस्तों, जैसे ही आप लॉन्ग टेल कीवर्ड की ओर जाएंगे, यूट्यूब और सारे आपको कीवर्ड रिकमेंड करेगा। अब दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ माइक फॉर यूट्यूब वीडियो, अब दोस्तों आप देख सकते हैं YouTube आपको काफ़ी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको रिकमेंड कर रहा है। तो दोस्तों, आप इन सब का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इनको कहीं भी नोट करके रख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको और लॉन्ग टेल कीवर्ड की ओर जाना है तो दोस्तों आपको ये अपना कर्सर लाना है यहाँ पे और यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको और सारे कीवर्ड YouTube आपको रिकमेंड कर रहा है। तो दोस्तों, आप इन सब ट्रिक का यूज करके अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से SEO कर सकते हैं कीवर्ड के साथ।
अब दोस्तों चलिए चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। दोस्तों मैं आपको जो दूसरा तरीका बताऊंगा उससे दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी वीडियो 99% रैंक करेगी, अगर दोस्तों आपकी वीडियो सर्चेबल टॉपिक पे है तो। सो दोस्तों चलिए चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। सो दोस्तों दूसरा तरीका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है अपने प्ले स्टोर से, जिसका नाम है vidIQ। दोस्तों उसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों ये एक यूट्यूब सर्टिफाइड ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें अपने यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिसर्च का, दोस्तों इस पे जाना है आपको। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटर अ कीवर्ड। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आने के बाद सेम आपको वही चीज़ करना है जो मैंने अभी आपको यूट्यूब पे बताया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सेम कीवर्ड इंटर करना है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बोया माइक रिव्यू इंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से सर्च करने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपको इस ऐप पर कीवर्ड रिसर्च करने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि दोस्तों आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड इंटर करेंगे दोस्तों उसका कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस कीवर्ड पे लो कंपटीशन है या फिर हाई है या फिर वेरी हाई है या मीडियम है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपटीशन जो है वो है लो और इसका वॉल्यूम जो है वो 45 है। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक फ़ायदा और मिल जाता है, आप यहाँ पे कुछ चैनल को देख सकते हैं जिसने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, उन चैनल्स का नाम यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कीवर्ड है बोया माइक रिव्यू, इस पे कंपटीशन लो है। सो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे सिर्फ माइक को टाइप किया है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपटीशन जो है वो वेरी हाई है। सो दोस्तों अगर आप अपने टैग में सिर्फ माइक लिखते हैं तो शायद ही आपकी वीडियो उस पर रैंक करे। सो दोस्तों आप vidIQ ऐप का यूज करके आप अपनी वीडियो में सही तरीके से SEO कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो में देखा कि आप अपने वीडियोस के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, वो भी सही तरीके से जिससे आपकी वीडियो रैंक करे। सो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे अपने वीडियोज़ में SEO करें। अब दोस्तों SEO करने के लिए आपको सबसे पहले अपना YT स्टूडियो ऐप जो है ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो पे चले जाना है जिस वीडियो पे आपको अपना SEO करना है। अब दोस्तों सपोज करिए मुझे इस वीडियो का सही तरीके से SEO करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने टाइटल में जो भी लिखे हैं उसको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद दोस्तों आप अपने डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा। अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आ जाने के बाद आपको शुरू के 3 लाइन में आपको अपने टाइटल को ही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको अबाउट दिस वीडियो करके आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच नेक्स्ट, अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं वॉच नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने कुछ वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों आप भी अपने वीडियोस में लिंक दे सकते हैं। लिंक देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोई वीडियो देख रहा है और साथ ही साथ अगर आपका डिस्क्रिप्शन भी चेक करता है और उसको कोई उसके पसंद का वीडियो दिख गया तो उसको भी वॉच कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सोशल मीडिया का लिंक जरूर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉपिक कवर्ड, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर टॉपिक सॉल्वड कुछ भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद दोस्तों आप जितने भी टैग फाइंड किए हुए हैं या फिर जितने भी लिख के रखे हुए हैं दोस्तों आपको यहाँ पे सबको लिख देना है। आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितने भी टैग्स को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप अपने डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें आपके पास जितने भी कीवर्ड हों आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे टैग का ऑप्शन दिख जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे टैग में 500 वर्ड लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने टैग्स लगा लिए हैं। दोस्तों आप अपने टैग्स में 500 वर्ड लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप 500 वर्ड को आपको लिखना ही लिखना है जिससे आपकी वीडियो रैंक करे। दोस्तों आपको टैग्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सो दोस्तों ये रहा SEO करने का सही तरीका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।